प्रभाज का दूसरा बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां करीब 75 साल पुरानी एक मस्जिद को लेकर इन दिनों फिजा गर्म है। ये मस्जिद शिमला के संजौली में है और आरोप लग रहा है कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है पिछले कई साल में, और इसी के विरोध में आज भी शिमला में संजौली चौक पर भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। भीड़ में आम लोग भी थे, हिंदू संगठनों के लोग भी इसमें शामिल रहे, जो ये मांग कर रहे थे कि अवैध निर्माण को इस मस्जिद में गिराया जाए, हटाया जाए। कई संगठन मस्जिद को ही यहाँ से हटाने की मांग पर भी अड़े हुए। इस भारी भीड़ से निपटने के लिए पुलिस बलों को आज काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी जब पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसी दौरान हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम को हिरासत में लिया गया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है, जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था, और इसके तहत 5 या उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगाई जाती है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तनाव को देखते हुए संजौली मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद राज्य विधानसभा में भी गूंजा और राज्य के कई और इलाकों में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने में सामने आए। विधानसभा की बात करें तो खुद सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद में अवैध निर्माण का विरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी समय तक नज़रअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए और कहा कि अवैध तो अवैध ही है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद। उन्होंने इस मामले की जाँच की भी मांग की। इस बीच शिमला के संजौली ही नहीं, कसुम्पटी इलाके की एक मस्जिद में हो रहे निर्माण का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है और अनिरुद्ध सिंह कसुम्पटी से ही विधायक हैं। तो ये पूरा मामला जो है, धीरे धीरे इसमें सियासत भी उतर आई है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से बयान भी आए हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, एक मस्जिद है वहां पर और बरसर इख्तदार जमात का मिनिस्टर कह रहा है कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सभी मामला है कि आप हुकूमत में है, एक मस्जिद का एक छत डाला गया जो आज़ादी के वक्त की मस्जिद है, तो उस पर ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये नफरत नहीं है तो क्या है। उधर हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार का कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से होगी। अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वो वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। सवाल यह है कि ये कौन सी मस्जिद है जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। ये शिमला के संजौली में मस्जिद है, 1947 से पहले की ये बताई जाती है। पहले ये मस्जिद 2 मंजिला थी और कच्ची थी। 2010 में इस पर और काम शुरू हुआ और अब ये मस्जिद 5 मंजिला बन चुकी है। आरोप है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया, बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप है। इसे देखते हुए करीब 35 बार नगर निगम ने निर्माण रोकने का नोटिस भी दिया, लेकिन हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद के साथ अवैध शौचालय भी बने थे और ये अवैध शौचालय प्रशासन ने 2023 में तोड़ दिए। साल 2010 से नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में ये केस चल रहा है। 44 बार पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। जैसा होता ही है कि फैसले आने में इतनी देरी हो जाती है कि फिर फैसला आने से पहले ही दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। तो इस मस्जिद को लेकर भी हंगामा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे विवादों को हवा देने में सियासी लोग भी पीछे नहीं होंगे। शुक्रवार को वक्फ बोर्ड ने इस बीच ने भी इस पर एक कार्रवाई की है। मस्जिद का कब्जा अपने हाथ में ले लिया। वक्फ बोर्ड ने माना कि मस्जिद की कुछ मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई। वक्फ बोर्ड के मुताबिक मस्जिद के इमाम को भी हटा दिया गया है और बाहर के किसी व्यक्ति को मस्जिद में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे विवाद को इतना बढ़ने ही क्यों दिया गया। 2.5 मंजिल की मंजूरी थी तो 5 मंजिल इस मस्जिद में कैसे बन गई। निर्माण के दौरान कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये बड़ा सवाल होता है कि जब अवैध निर्माण हो रहा होता है उस समय वो एजेंसियां जो संबंधित होती हैं उनके अधिकारी कहाँ जाते हैं, क्यों इसे बनने देते हैं, चाहे कोई भी निर्माण हो अवैध। निर्माण स्थल का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया जब अवैध निर्माण हो रहा था। और 2010 से निर्माण शुरू हुआ, 14 साल तक कैसे चलता रहा और इस पूरे दौर में क्यों नहीं
अपने इस पूरे मामले को जो है पहले संज्ञान में नहीं लिया गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे इतना क्यों बढ़ने दिया गया। इस पूरे विवाद पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं शिमला से वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। ये पूरा विवाद क्या है, एक मस्जिद को लेकर शिमला एक तरह से वहाँ की फिज़ा गर्म हो गई है, क्या है ये पूरा विवाद? ये मस्जिद तो हमेशा से लोगों के सामने रही होगी, अचानक क्यों उठ गया ये मामला? देखिए, मैं बताऊं, शिमला एक बहुत ही शांत सिटी है, शहर है। यहाँ कई सारे टूरिस्ट साल भर आते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा था तो टूरिस्ट जो होटलियर्स हैं इंतजार कर रहे थे कि टूरिस्टों के आने का सीजन हो रहा है। शिमला में एक यही मस्जिद नहीं है, शिमला में और भी कई मस्जिदें हैं जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं है, वहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है। और किसी दूसरी मस्जिद जो पुरानी, इससे भी पुरानी है, और किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। हुआ ये कि 31 अगस्त को दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है और एक व्यक्ति जो हिंदू था उसको बुरी तरह से पीटा जाता है, उसके सिर पे चोट आती है, किसी तेज हथियार से चोट आती है। और वो जब दूसरे उसके साथी पहुंचते हैं तो ये जो अक्यूज्ड हैं वो जाके मस्जिद में छुप जाते हैं। उसी दिन से ये मस्जिद का बवाल खड़ा हो गया है। और इसके बाद जो हिंदू संगठनों ने या लोकल जो संजोली के बशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसको जो ट्रेस किया, उन्होंने कि मस्जिद जो है कई सालों से एग्जिस्ट कर रही है। मुझे कुछ पुराने संजोली के जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे एज चाइल्ड जो बच्चे थे उस समय जाके खेला भी करते थे। एक पुरानी मस्जिद थी, सिंगल स्टोरी मस्जिद थी। और उसके बाद ये मस्जिद 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ और आस्ता आस्ता 5 मंजिले बन गई, जो कि सभी मानते हैं कि अवैध निर्माण है। और किसने बनाया है, कैसे बन गया है, प्रशासन कहाँ था, 44 हेयरिंग इसकी हुई, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो ये सारी चीजें कुल मिला के ये एक कारण बन गया जो इस आज का जो आपने सीन देखा है शिमला में, वो एक अच्छी बात नहीं है। और ये संजोली जो है बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे कई सालों से लोग रह रहे हैं और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मार्केट वहाँ की एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। और ये मस्जिद पहले सड़क से दिखती नहीं थी, अब इसके जो ऊपर का पोर्शन है, जो छत है, 5वीं छत, सड़क से दिखना शुरू हो गई। तो उसी के चलते ये सारा विवाद खड़ा हुआ। और अभी भी आज जो वहाँ पे हुआ है, इन्होंने जो संगठन थे कुछ, जिसमें स्थानीय लोग भी थे, उन्होंने प्रदर्शन करना था, उन्होंने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने जो संजोली है उसके दूसरी तरफ जो टनल है, डली टनल, उसकी दूसरी तरफ, लेकिन आस्ता आस्ता जब ये भीड़ इकट्ठी हुई तो इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया संजोली की तरफ और मस्जिद की साइड पे एक बैरिकेडिंग की तोड़ दी उन्होंने। और अगली बैरिकेडिंग पे पुलिस ने उनको रोक लिया, उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनके लाठीचार्ज हुआ। और ये मैं बताऊं, एक जो फैक्ट अभी नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ शिमला के लोग नहीं थे, मंडी, रामपुर और कई और जगहों से लोग रात को यहाँ पे पहुंच गए थे। उन्होंने प्रदर्शन जो कि कह रहे थे कि हमें सिम्बॉलिक प्रदर्शन करना था, बट ये आस्ता आस्ता ये वायलेंट हो गया है। और अभी भी हालांकि वहाँ पे सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये मामला अभी फिर भड़केगा और मुझे लगता है कि सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। जी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सियासत भी हावी है। जैसा आपने कहा कि पहले एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होने की बात थी, लेकिन रात रात में हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी लोग आए, तो कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है, इस पूरे मामले को जानबूझकर ज़्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये मामला वैसे भी शांति से सुलझाया जा सकता है, अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा सकता है या जो कोर्ट कहे वो किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार को कार्रवाई करनी थी या प्रशासन को करनी थी वो कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग प्रदर्शन करने वाले थे इनका नेतृत्व कौन कर रहा है वो आइडेंटिफाई करके उनसे बातचीत अगर करते कि कहाँ आपने प्रदर्शन करना है, वो उनको एक जगह अलॉट कर देते कि आप यहाँ पे जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू हैं आप यहाँ नहीं आएंगे, अपना प्रदर्शन दूसरी जगह पे कर लीजिए। तो वो उस वार्ता में मुझे लगता है कि प्रशासन फेल हुआ है, सरकार फेल हुई है।
और इस मामले को जितनी सेंसिटिविटी से लेना चाहिए था उस सेंसिटिविटी से नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा इसका सालों साल डिले हुआ है, उसमें सरकारें भी बदली हैं। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, बीजेपी के बाद कांग्रेस आती है, तो इसमें बीजेपी भी दोषी है जिन्होंने उस समय इसका नोटिस नहीं लिया। कांग्रेस मैक्सिमम टाइम पे जब पावर में रही हिमाचल में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी इस पे हावी है। अगर शिमला के एमएलए और एक मंत्री के बीच कुछ टेंशन चल रही है, विवाद चल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस के रोल लोग भी शामिल होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो जरूर शामिल होंगे।